हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 16 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एज यू हैव रीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट इन एवरी स्टेट इन इंडिया देर आर ए लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि हर स्टेट के पास में उसकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इन डिवाइड इन टू मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ए रिप्रेजेंटेटिव इन इलेक्टेड बाय द एलिजिबल पीपल हु बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MLA। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि हर एक स्टेट के पास में उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। और जैसे कि ये देखो, हमने ये स्टेट ले लिया तो हर एक स्टेट के पास में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, और हर जो स्टेट है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया है, जहाँ से क्या किया जाएगा, इलेक्टिव किया, जहाँ से मेंबर्स को चुना जाएगा, इलेक्टिव किया जाएगा, और वहाँ से फिर वो क्या बन जाएंगे, MLA बना दिया जाएगा। उनमें से चुने हुए जो प्रतिनिधित्व होंगे उन्हें MLA बना दिया जाएगा। इन इलेक्शन पीपल कॉन्टेस्ट ऑफ द बिहाफ ऑफ द वेरियस पोलिटिकल पार्टीज एंड हैंस MLA ऑफ द डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज। तो अब ये जो MLA चुने जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्टी से चुने जाए, ये अलग अलग पार्टी से चुने जाएंगे जो भी MLA है ना। जिस मान लो इस एक ये स्टेट है, यहाँ पे अलग अलग इस तरह से क्या हुआ, डिवाइड कर दिए गए इन एरिया को, क्षेत्रों को, और यहाँ से हर एक जो मेंबर है वो चुना गया। तो ये जो जितने भी लोग चुने गए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्टी के हों, ये अलग अलग पार्टी के भी हो सकते हैं। द पार्टी हुज MLA इज गेट इलेक्टेड इन मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कंसिडर एज द पार्टी ऑफ द मेजोरिटी इन द स्टेट। अब जिस भी पार्टी के, देखो यहाँ से मान लो, यहाँ से अलग अलग, ये मैं बार बार डायग्राम बना रही हूँ समझाने के लिए, हर जगह से यहाँ से क्या गया है, अलग अलग लोग चुने गए हैं। अब इसके अंदर से अलग अलग, सब लोग अलग अलग पार्टी से चुने गए, तो इसके अंदर से जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा लोग चुने गए हैं वो क्या हो जाएगी, मेजोरिटी में हो जाएगी, जो सरकार है वो उसी की बन जाएगी। देखो MLA has get elected in more than half or constituency is considered as the party which majority in that state. The party getting the majority is called ruling party. और जो पार्टी क्या होगी, जिसके ज़्यादा मेंबर MLA के चुने जाएंगे, वो क्या हो जाएगी, रूलिंग पार्टी हो जाएगी, विजयी, जिसे हम कहते हैं सत्ता पक्ष हो जाएगा, जिसकी सरकार बनेगी। वाइल ऑल अदर पार्टीज आर कॉल्ड ऑपोजिशन, और बाकी क्या कहलाए जाएंगे, ऑपोजिशंस। ध्यान से समझो, एक जो होता है जीत जाता है, उसकी सरकार बन जाती है, और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, उसके ऑपोजिशन में हो जाते हैं। अब देखो आगे क्या कहा गया है। द रिजल्ट ऑफ 68 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इलेक्शन हेल्ड इन 2017 हिमाचल प्रदेश इज गिवन बिलो। हिमाचल के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे 2017 में, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके हमें आंसर यहाँ पे लिखने हैं। इसको पहले हम ध्यान से समझते हैं। देखो क्या कहा गया है, फर्स्ट क्या कहा गया है, देखो ध्यान से। रूल ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश, असेंबली इलेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो 2017 में हुआ था। फर्स्ट देखो, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टी दिए गए हैं, और यहाँ पे MLA के मेंबर्स कितने इलेक्ट हुए हैं, कितने चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP के कितने मेंबर हैं, 44 मेंबर यहाँ पे इलेक्ट हुए थे, चुने गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने मेंबर चुने गए थे, 21। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कितने मेंबर चुने गए थे, 1। एंड इंडिपेंडेंट, मतलब हु डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी, ऐसे भी दो लोग चुने गए थे जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, तो वो कितने मेंबर थे, 2। ध्यान से समझो, अभी तक आप लोगों को इस ग्राफ या जो ये दिया गया, इसी से समझ में आ गया होगा कि रूलिंग पार्टी कौन है, जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर हैं, आधे से ज़्यादा मेंबर रूलिंग पार्टी कहलाते हैं, तो BJP क्या हो जाएगी, रूलिंग, और बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, नेशनल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंट, ये क्या हो जाएंगे, ये ऑपोजिशन में हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहीं से देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर रिक्वायर्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू गिव गेट मेजोरिटी इन द स्टेट। क्या चाहिए मेजोरिटी के लिए, हाफ से ज़्यादा मेंबर्स क्या होने चाहिए, इलेक्टेड हो जाने चाहिए, उसकी तभी उस स्टेट में क्या होगी, रूलिंग पार्टी बनेगी। ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, What will be the minimum number of the elected members required by the political party to get majority? Majority पाने के लिए उनको क्या चाहिए, हाफ से ज़्यादा नंबर उसको MLA के चाहिए। तो देखो यहाँ से हो जाएगा, द पार्टी हुज MLA गेट इलेक्टेड इन मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कंसिडर एज द पार्टी विद मेजोरिटी इन द स्टेट। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, ध्यान से समझेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। विच इज द पार्टीज मेंशन अबव विल फॉर्म
ऑफ द गवर्नमेंट इन स्टेट, कौन सी पार्टी, अगर जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है, ऊपर जो दिया गया है, इसमें से कौन सी पार्टी विनर है, रूलिंग पार्टी बनी है, तो सबसे ज़्यादा मेंबर किसके हैं, 44। देखो तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बीजेपी आप लिख देंगे, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो इस सेकंड का आंसर हो जाएगा बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच पार्टी या पार्टीज मेंशन अबव विल कॉल बी ऑपोजिशन, इनमें से ऑपोजिशन कौन सी पार्टी कहलाएगी, तो ये तीनों जो पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंट, ये तीनों पार्टी जो है ये क्या कहलाई जाएंगी, ये ऑपोजिशन कहलाई जाएंगी। ध्यान से समझो, फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा, सेकंड का आंसर बीजेपी, रूलिंग पार्टी कौन सी होगी जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर होंगे वो कौन से हैं, 44। एंड सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें ऑपोजिशन क्या हो जाएंगे, ये तीनों, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी ऑपोजिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट ऑफ एमएलए आर देयर इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, कितनी जो सीट्स है एमएलए की इंडिया में, इंडिया में नहीं सॉरी हाउ मेनी सीट्स ऑफ एम एल एज आर देयर इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के एम एल एज में कितनी सीट्स हैं, वहाँ पर एम एल एज की कितनी सीट्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 सीट्स हैं एम एल एज की वहाँ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। ध्यान से समझो, देखो क्या कहा जा रहा है, अब देखो अब बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले जैसे बस समझाया जा चुका है कि इंडिया में क्या है, दो टाइप की जो सरकार है जिसे हम कहेंगे गवर्नमेंट, टू टाइप की गवर्नमेंट है, एक है स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट को संभालती है और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे इंडिया को संभालती है। तो पहले हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, देखो क्या कहा गया है, द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर ओनली दोज वर्क विच फॉल विच, तो अब देखते हैं पहले हम, द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर ओनली दोज वर्क विच फॉल अंडर इट ज्यूरिडिक्शन, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने अंदर जो अपनी स्टेट के अंदर जितने भी काम हैं उसको संभालती है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, रोड, ड्रिंक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि देखो यहाँ पे है, हम इंडिया का अगर मैप बनाते हैं, देखो इस तरह से एक रफ मैप बनाते हैं हम, एक सेकेंड, देखो इस तरह से ना, ऐसे इस तरह से हमने बनाया, तो हर क्या है, आपको पता है कि स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया इस तरह से ना, ठीक है, ये क्या किया, स्टेट में डिवाइड कर दिया गया। तो अब जितनी भी स्टेट्स हैं ना, वहाँ पे क्या किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट है जो अपने ही स्टेट के अंदर के एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कामों को संभालेगी, उसका काम क्या है, सिर्फ अपने स्टेट को संभालना। इन इंडिया देर आर 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटोरी विच हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, देखो इंडिया में क्या है 28 स्टेट्स है और 8 क्या है यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन जिसमें से 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिसके पास उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में, इंडिया में 28 स्टेट और 8 क्या है यूनियन टेरिटरीज है, जिसके अंदर से 3 ऐसे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज है जिसके पास उनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब देखते हैं, अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, देर आर सम वर्क हुज इन्फ्लुएंस इन फेल्ट ऑल ओवर द कंट्री, कुछ ऐसे भी काम है जिसको जिसपे करने से पूरी इंडिया पे क्या होता है, इफेक्ट होता है, जैसे कि लॉकडाउन लगा, प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कह दिया कि लॉकडाउन है, तो पूरी इंडिया में क्या हुआ, उसको फॉलो किया। तो ऐसे जो बड़े डिसीजन लेते होते जिसका असर पूरे इंडिया पे पड़ता है, उसका डिसीजन उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार कहा जाता है। लाइक सिक्योरिटी ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, कौन कौन से काम करते हैं, सिक्योरिटी का कोई काम होगा, ट्रेन सर्विस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, दीज वर्क आर डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये काम किसके द्वारा किए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट का ध्यान रखेगी, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पूरे का ऑल ओवर ध्यान रखेगी। तो जो आज की वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।